तो झारखंड की राजधानी रांची में ईस्टर्न जोन के पहले सिरोसिस लैब का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही हेमंत सोरेन की सरकार ने एक और वादा पूरा कर दिया है। रघुवर दास के कार्यकाल में इस लैब का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन फंड न रहने के कारण काम ठप हो गया था। अब इसे मौजूदा सरकार ने पूरा कर दिखाया है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रयास से रांची के श्रम भवन में इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरी एंड सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर की स्थापना की गई है। इसे सिरोसिस जांच सेंटर भी कहा जा सकता है। ये पूर्वी भारत में स्थापित पहला ऐसा लैब है जहां पर मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सिरोसिस की जांच की जा सकती है। आमतौर पर सिरोसिस की बीमारी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को होती है। जांच लैब न होने की वजह से सिरोसिस के मरीजों को कई बार टीवी रोगी भी घोषित कर दिया जाता था, लिहाजा उचित इलाज न मिलने से मजदूरों की मौत भी हो जाती थी। लेकिन अब रांची में सिरोसिस के मरीजों की पहचान हो सकेगी। कि ट्यूबरक्लोसिस का ही लक्षण देता है, उसे डिटेक्ट करने के लिए कुछ जगह जो है इसके संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे कि टाटा हॉस्पिटल्स में एक जगह है, दूसरा हमारी लैब में इसकी व्यवस्था हो रही है, जिसमें यह डिटेक्ट डिस्टिंग्विश किया जा सकता है ये ट्यूबरक्लोसिस है अथवा सिल्कोसिस। सिर्फ मजदूरों के लिए क्यों? क्योंकि किसी माइनर्स माइनिंग एरिया या किसी भी डस्ट अगर फैक्ट्री के बाहर भी फैल रहे हैं तो आम लोगों को भी ये बीमारियाँ हो सकते हैं, इसलिए उन्हें भी डिटेक्शन किया जाता है। इसको जो चालू करने के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह लाने थे उनका किराया और इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया था, तो अभी फिर जब मेरी इस विभाग में फिर से पदस्थापना हुई तो हम लोगों ने उस समय फिर ट्राई किया और जो हमारा फैक्ट्री इंस्पेक्टोरेट के सारे ऑफिसर्स ने मिल के वो लोग बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाइजीन लैब गए, वहाँ देखा उन्होंने क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसका क्रय किया गया, इंस्टॉल किया गया और आज ये चालू हो गया है। सुबह के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सिरोसिस लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस लैब के बन जाने से मजदूरों की सेहत की रक्षा की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भाषण पर विश्वास नहीं करती है बल्कि काम करके दिखाती है। मजदूरों को सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, कोई बीमारी है, कोई दुर्घटना होगी, उसका आकलन करने के लिए बहुत बड़ा यहाँ लैब खुला है और जो आवश्यकता होगा उसको पूर्ति विभाग द्वारा किया जाएगा। और जितने हमारे चाहे फैक्ट्री मालिक हो, चाहे हमारे जो उद्योगपति हैं जो काम करते हैं, जैसे संबंधित श्रमिक को खटाते हैं, तो जो सरकार का रूल है, नियम कानून के तहत सब काम होगा। और मेरा काम है श्रमिकों को सुरक्षा देना और किसी तरह की घटना दुर्घटना हो तो कंपनसेशन देना। बहरहाल इस लैब के बन जाने से वैसे फैक्ट्री मालिकों पर भी लगाम लगेगी जो अपने फैक्ट्री में जरूरत से ज्यादा साउंड पॉल्यूशन और जहरीले गैसों का निर्माण कर उसे वायुमंडल में छोड़ते हैं। इससे पहले तक फैक्ट्री मालिक श्रम विभाग के दावे को ये कहकर खारिज कर देते थे कि उनके बताए गए आरोप तथ्यों से परे। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।